बंगोपसागर ओडिशा प्रति माड़ी आसछि विपद। 23 तारीख रे बात्या एवं 24 रे हेबो लैंडफॉल आ ओडिशा ऊपर रहिबो अधिक प्रभाव। पाणिपाक विभाग आकलन अनुसार उपकूल रे प्रबल बर्षिबो एवं पवन रे वेग 100 किलोमीटर टपिबो, तेणु सजाग होइछन्ति सरकार। ओडिशा को पुणि थरे डराइला बात्या, बंगोपसागर रु माड़ी आसुची विपद। तेईस तारीख रे संगठित हेबो बात्या दाना, 24 तारीख रे लैंडफॉल नहीं आकलन। उपकूल ओडिशा रे पवन सह प्रबल बर्षिबा। बंगोपसागर रु ओडिशा प्रति बड़ विपद। 23 तारीख में बंगोपसागर में संगठित हो बात्या, आत्यार ना राना। केन्द्रीय आंडमान सगर में सृष्टि होता घूर्णिवलय आगामी 24 घंटे लघुचाप रूप नेब, पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्व गति कर 22 तारीख सकाल सुधा अपात्रे परिणत हो। 23 तारीख सकाल सुधा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में यह बात्यार रूप नेब, परवर्त समय यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा भीषण बात्यार रूप नेब, पर यह उत्तर पश्चिम दिग्व गति कर 24 तारीख सकाल सुधा ओडिशा पश्चिमबंग निकट में पहुंचब। ओडिशा वेस्टर्न कोस्ट के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी में यह केंद्रीभूत होगा, तब इसका विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ते हुए 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है, और ये विंड स्पीड एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इसके प्रभाव में सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होगा कल से सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे, और धीरे धीरे हाई कंडीशन डेवलप होगा और 25 तारीख तक ऐसे कंडीशन जारी रहेगा। इसलिए जो मछुआरे भाई हैं उनको हम चेतावनी दिए हैं कि समुद्र के अंदर 25 तारीख तक नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो 21 तारीख यानी कल तक वापस आ जाना चाहिए। ऑनशोर ऑफशोर इंडस्ट्रीज ऑल शिपिंग कम्युनिटीज शिप्स को हम भी चेतावनी दे रहे हैं कि 25 तारीख तक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए और डिस्टर्ब एरिया को अवॉइड करना चाहिए। बात्या प्रभाव में राज्य में 23 तारीख रु बढ़ वर्षा, 23 रु 25 तारीख जाए प्रबल वर्षा संभावना रही है। 24 तारीख में उपकूल ओडिशा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो, सेतिपाई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर पुरी खोर्धा और गजपति जिला को वार्निंग जारी कर 25 तारीख में पूरी खोर्धा गंजाम और जगत सिंहपुर सह केन्द्रापड़ा कटक नयागढ़ खोर्धा और गंजाम रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। सेपरि भद्रक बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध कंधमाल रायगढ़ कोरापुट बालकानगिरी मयूरभंज और केन्दुझर में भी प्रबल वर्षार संभावना रही। 23 तारीख में उपकूल में 40 रु 60 किलोमीटर वेगरे पवन बहिबो। 24 तारीख राति रु 25 तारीख जाए पवन वेग बढ़ी 100 रु 120 किलोमीटर रहीपे, 25 तारीख सकाले पवन बेग आहुरी मध्यम पड़ी पारे। कि 24 तारीख जदि देखिबा प्रबल वर्षा रहबार संभावना रही छि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा गंजाम एवं गजपति जिल्ला रे 24 तारीख रे किछि किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ता सहित एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कांभा जगह हेबार संभावना रही छि, जेमति कि पुरी खोर्धा गंजाम एवं जगतसिंहपुर जिले ता सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा कांभा जगह हेबार संभावना रही। केन्द्रापड़ा कटक नयागढ़ खोर्धा गंजाम जिले एवं हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षा कांभा स्थान हेबार संभावना रही, जमीक भद्रक बालेश्वर जाजपुर अनुगुल ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट बौद्ध कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले। तेबे एजाए बात्यार प्रभाव केत रहिब ताहा स्पष्ट होइ नै, लघुचाप सृष्टि बा परे ही प्रभाव एवं केउठी लैंडफॉल करिब ताहा जणा पड़िब। तेबे पानीपाग विभाग कहिछि जे ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपरे एहार प्रभाव अधिक रहिब। ये जो संभाव्य साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और वेस्ट बंगाल पर होने का संभावना है। 23 तारीख से ओडिशा और वेस्ट बंगाल के जो तटीय इलाका है वहाँ रेनफॉल शुरू होगा, एक दो जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। 24 और 25 तारीख में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है।
फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का संभावना। अक्टोबर मास बात्या को सुहाई था तेज बात्या को नहीं भयभीत न होगा को कहते सरकार। भुवनेश्वर दुष्मंत बेहरा और निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया।